अब ये देखिए पुश, देखिए पुश। नमस्कार दोस्तों, तो स्कोडा ऑक्टाविया का अंदर से जो है आपको मैं इसके काफ़ी जो है व्लॉग्स बना चुका हूँ, तो आज जो है इसका मैं आपको ड्राइव रिव्यू देता हूँ। तो सबसे पहले जो है हम इसको इसका जो है इस क्लाइमेट कंट्रोल ऑफ कर देते हैं, उसके बाद इसकी जो है ASR ऑफ कर देते हैं, इसको बंद कर देंगे और गाड़ी को डाल देंगे स्पोर्ट्स मोड में, और गाड़ी जो है अब लॉन्च के लिए तैयार है। गाड़ी की वैसे जो स्पीड है वो 200 प्लस है, लेकिन हमारा जो ये हाईवे है ना ये 200 प्लस वाला नहीं है, तो रिस्क नहीं हमने लेना। फिर भी मैं आपके पास गाड़ी का जो है लॉन्च दिखाता हूँ कि गाड़ी लॉन्च कैसे होती है। ये देखिए, आप ये देखिए पुश, देखिए पुश। मतलब गाड़ी को सिर्फ फिट करने की जरूरत है, और गाड़ी जो है 128, 31, 40 के आसपास जो है वो बहुत आराम से चली गई है। देखिए 170 के आसपास जो है वो गाड़ी ने टच कर लिया है, और ये बहुत इजी 200 प्लस जो है ये बहुत आराम से चली आती है। और जो इसका ये इंस्टेंट पुश है ना, जो इसका ये इंस्टेंट आवाज़ आती है इसमें से, मतलब वो एक पेट्रोल इंजन, एक पेट्रोल लवर ही उस चीज़ को समझ सकता है। ये देखिए आप पुश देखिए, पुश कितना ज़्यादा है, स्पोर्ट्स मोड में है अभी ये। ये देखिए, आपको बताया मैंने जो हमारे ये हाईवे है ना, यहाँ पे एक्चुअली क्या क्रॉसिंग है, तो रिस्क नहीं लेना हमने, चलानी हमने ध्यान ढंग से ही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। और ये देखिए आप, मतलब क्या पिकअप है इसकी, क्या पिकअप है। मतलब हाईवे पे अगर आप जा रहे हो ना, अगर आप हाईवे पे से चला रहे हो, तो इससे बढ़िया, मैं कह रहा हूँ इससे बढ़िया मजा किसी चलाने में हाई नहीं है। और ओवरटेक जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से में इसमें ओवरटेक है। ये देखिए अभी ये स्पोर्ट्स मोड में है, AC ऑफ है इसका, ASR जो है वो हमने ऑफ की हुई है। ये देखिए, मतलब इतना इंस्टेंट पुश है ना, पैडल हिट करते ही ये गाड़ी आपको इतना, मतलब मैं कहता हूँ अगर आपके पास एक्सपीरियंस है ना, तभी आप ये गाड़ी में हाथ डालें। ये देखिए, मतलब अभी ये 120 प्लस है, और स्टेबिलिटी देखिए मोड पे, स्टेबिलिटी कितनी ज्यादा है। ये देखिए, मतलब पूरी गाड़ी इतनी तेज होने के बावजूद भी जो रोड के ऊपर इसकी पकड़ है ना, मतलब क्या कहें उसकी, मतलब बात ही नहीं रह लिया। ये देखिए, ये देखिए, मतलब 120, 40, 50 तो ये ऐसे ही चले जाती है ये। और आगे जो है वो रोड थोड़ी खराब है, तो इस तरह से जो ये आपको मैंने स्पोर्ट्स मोड में गाड़ी स्पेशल चला के दिखाई है, इस तरह से जो है वो इसका स्पोर्ट्स मोड है। और गाड़ी जो है हम आगे से लेंगे यहाँ से, क्योंकि रोड जो है वो खराब है। तो मैं आपको अब इसका, मतलब थोड़ी इसकी, अब ये गाड़ी भी गंदी है, थोड़ी इसकी लुक भी दिखाता हूँ, उसके थोड़ा बहुत थोड़े से जो इसके खास खास जो फीचर्स हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले जो है हम स्पोर्ट्स मोड यहाँ से ऑफ कर लेते हैं, और गर्मी बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पे, बारिश का भी टाइम है, उमस जो है वो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो AC को हम ऑन कर लेते हैं। तो AC जो है वो ऑन हो चुका है। ये देखिए, गर्मी से 2-3 मिनट में ही ना गर्मी का बुरा हाल कर देती है गर्मी। तो इस तरह से जो है ये गाड़ी आपको, इसके मैंने कई वीडियोज डाले हैं, और लोग जो है इसकी गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा इसको पसंद करते हैं, ये थोड़ा इसको रिव्यू करते हैं उतर के। तो बिल्ड क्वालिटी से दोस्तों स्कोडा कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। मैंने वर्चस बुक करवाई थी GT, फिर मैंने स्लाविया और वर्चस में बहुत कंफ्यूज था, लेकिन इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ना, आप कंपैरिजन नहीं कर सकते इसकी। आप बिल्ड क्वालिटी देखिए, देखिए इसका ये प्लास्टिक का जो है ना, ये चीज़ देखिए आप, मतलब आपको पता लगता है कि इसकी इसमें इसका, मैं आपको डोर का थर्ड सुनाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए आप, मतलब इतना सेटिस्फाई है ना इसकी एक एक चीज का, मतलब स्कोडा ने बहुत ध्यान रखा है। ये पियानो फिनिश ऐसे निकलती है और ऐसे जा रही है। ये देखिए, ये सारा सॉफ्ट टच है, ये सारा सॉफ्ट टच है, ये सारा प्लास्टिक है ना, मतलब
चुभता ही नहीं है धूप में ना, मतलब कभी भी ये नहीं कि इसको टच होके आपके आंखों में सनशाइन आ रही है, आपको ड्राइव में प्रॉब्लम हो रही है। स्कॉडा ने इतना ध्यान रखा है, सारा सॉफ्ट टच है दोस्तों। अगर आप बॉटल्स भी इसमें रख देंगे ना तो आवाज़ नहीं आएगी, मतलब इतना इन्होंने छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा हुआ है। यहाँ पे ये देखिए छोटी छोटी डायमंड्स के आपको दिखाई दे रहे होंगे। गाड़ी थोड़ी गंदी है दोस्तों, मैंने धुलवाई नहीं है। पीछे आपको कर्टेंस दिखाई दे रहे होंगे, जो है विंडो कर्टेंस लगा रखे हैं इन्होंने। आप खड़ी गाड़ी में हैं कर्टेंस लगा सकते हैं, चलती गाड़ी में है वो इलीगल है। तो आइए थोड़ा बाहर से भी मैं आपको दिखाता हूँ, गाड़ी गंदी है। मैंने इसका स्टाइल वेरियंट और जो टॉप वेरियंट है ना उसमें 3.5 लाख का फ़र्क था, 3-4 लाख का। पर फ्यूचर्स का कुछ खास फ़र्क नहीं था दोनों गाड़ियों में ना, दोनों गाड़ियों में फ्यूचर ऑलमोस्ट सेम ही थे, लेकिन मैंने टॉप वेरिएंट को चूज़ किया। मैं दिखाता हूँ मैंने टॉप वेरिएंट क्यों चूज़ किया स्टाइल वेरिएंट के को छोड़ के। ये एक सबसे बड़ा रीज़न तो था, जो था ना वो इसके DRL से, ये एक सबसे बड़ा रीज़न था। मेरे को इसके DRL इतने ज़्यादा पसंद है ना, मतलब कह ही नहीं सकता मैं। अभी तो गाड़ी वॉश नहीं की हुई मैंने, मैं ऐसे ही ले आया उठा के, कवर उठा के। गाड़ी बहुत गंदी हो गई है, पंजाब में रेनी सीज़न चल रहा है। एक इसके अलॉय तो छोड़ो, इंडिविजुअल चॉइस है। मेरे को इसके DRL और इसकी फ्रंट ग्रिल जो है ना, फ्रंट किडनी देखी आप, किडनी ग्रिल कितनी खूबसूरत है इसकी फ्रंट लुक। स्कॉडा सुपर लेने गया था मैं आपको सच बताऊं तो, मतलब अपने आप को समझा के। और ये देखिए इसके अलॉय भी आपको जो है वो साइड से मैं दिखा रहा हूँ। सुपर लेने के लिए मैं गया था, 6.5 लाख का डिफरेंस था सुपर और टॉप मॉडल इसमें। लेकिन इसका जो डैशबोर्ड है ना वो ज़्यादा बढ़िया लगा मेरे को। उसका डैशबोर्ड काफ़ी बिजी था और पुराना था थोड़ा सा, ये 1 साल बाद अपडेट होकर आई थी। लेकिन जो अब नई सुपर आ रही है उसका जो है उन्होंने डैशबोर्ड सारा जो है वो अपडेट कर दिया है। ये देखिए आप हल्का सा फीट लगाएंगे नीचे तो ये, अभी तो शायद ओपन नहीं हो रहा है, इसे की गाड़ी में पड़ी है। तो ये देखिए ये सारा जो है इसका 1000 लीटर जो है इसमें बूट स्पेस मिलता है, और ऐसे आप इसको दबाएंगे तो ये अपने आप बंद हो जाएगा। तो सुपर जो थी वो गाड़ी 6.5 लाख के डिफरेंस से फ़र्क था, लेकिन मैंने ये चूज़ की। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये था कि डिफरेंस तो कुछ खास फ़र्क नहीं था, 6.5 लाख का डिफरेंस था, लेकिन मैंने ऑलरेडी बजट अपना बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर लिया था। लेकिन जो इसका डैशबोर्ड का प्रीमियम लुक थी ना वो सुपर में नहीं थी, तो ये चीज़ मुझे था कि, लेकिन वो भी एक चलता फिरता होटल ही है रात को, उसकी इसकी जो लाइट है ना एम्बियन लाइटिंग यहाँ तक आती है, लेकिन यहाँ तक आएगी जो आपको रात को दिखाई जाती है, उसका मैंने एक स्पेशल ब्लॉग बनाया हुआ है। लेकिन सुपर में ना ये लाइट ऐसे घूमते हुए बिल्कुल दूसरे डोर के लास्ट में आपको टच करते हुए जाती है, मतलब इतनी ज़्यादा उसमें स्पेस ये वाला बहुत है। उसके टॉप मॉडल में हीटेड और कूल्ड सीट्स आती हैं सुपर में, इसमें नहीं आती है। और टॉप मॉडल मैंने स्टाइल वेरिएंट को छोड़ के एजेंट के इसलिए भी लिया कि ये मुझे ये भी पैसेंजर सीट जो है ना सीट, ये पावर सीट मिलती है मेरे को, जिसमें आपको बैक सपोर्ट है, लंबार सपोर्ट दोनों सीट्स में है। और अपना ये चीज़ मेरे को अच्छी लगी। और एक डेरल्स तो जो थे उसमें फीचर्स वो थे, और एक जिसमें ऑटो पार्क है वो तो खैर इतना इंडिया में तो खैर का सक्सेसफुल नहीं है ऑटो पार्किंग का फीचर, वो मुझे अच्छा लगा। और आपको जो बैक सीट का स्पेस की तो गाड़ी में इन्होंने कमी रखी नहीं। ये देखिए आपको स्पेस दिखाता हूँ मैं, मतलब अगर आप 33-34 लाख रुपये लगाया ना तो वो वर्थ है। ये देखिए आप स्पेस देखिए, आपको स्पेस दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, ये देखिए डिफरेंस देखिए आप। तो ये चीज़ ना ये मुझे वर्चेस में और कहीं ना कहीं सलाविया में, वर्चेस की ड्राइव बहुत शानदार थी। सलाविया की ड्राइव मैंने एक बार ली थी, वर्चेस की मैंने कम से कम 2 बार ड्राइव ली थी मैंने GT की, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, और रेड कलर मेरा वैसे ही फेवरेट है। तो ये चीज़, लेकिन जब मैंने ऑक्टाविया देखी तो फिर बस मैं इसका फ़ैन हो गया ऑक्टाविया का ना, स्कॉडा का, कि वाकई सुपर भी मुझे बहुत पसंद थी। मेरी वाइफ की तो गाड़ी फंस गई थी कि लेनी ही वही है, लेकिन वो मुझे थोड़ा उसका डैशबोर्ड आउटडेटेड लगा है, तो फिर वो गाड़ी भी बंद हो रही थी तो मैंने नहीं समझा लगाना उसके ऊपर पैसा, क्योंकि उसकी जनरेशन भी चेंज होकर आएगी। तो अब आजकल नेट पे अगर आपने स्कॉडा सुपर लेनी है तो आप CBU यूनिट है ना, आप CBU मंगवा सकते हैं, जो आपको 58-60 लाख के आसपास पड़ती है। मुझे उस टाइम पर वो गाड़ी पड़ रही थी 38 लाख के आसपास, 38 और 39 के आसपास पड़ रही थी वो, ये मुझे 33 के आसपास पड़ी थी, लेकिन मेरे को अच्छा डिस्काउंट मिल गया था बर्कले स्कॉडा से। तो इसलिए मैंने वो फिर वर्चस की है, जैसे इसकी आप ये चीज़ देखेंगे ना, ये चीज़ ये सारी मतलब आपको, आप टच करेंगे आपको पता लगेगा क्वालिटी का। यहाँ पे टूटर दे रखा है, वहाँ पे दे रखा है, नीचे स्पीकर दे रखा है, यहाँ पे भी पैसेंजर सीट्स पे भी अंदर सॉफ्ट टच दे रखा है, उसके बाद ये हेडरेस्ट वगैरह दे रखे हैं पीछे। और ये चीज़ के तो कह नहीं गया, ये चीज़ भी बड़ी प्रीमियम लगती है, मैं आपको दिखाता हूँ खींच के।
ये देखिए इसको आप नीचे कर लेंगे तो यहाँ पे कप होल्डर वगैरह बड़े फैंसी से इन्होंने यहाँ पे दे रखा है, जैसा ऑडी A6 और BMW के लिए मोजीन में आता है। तो वर्थ इसकी खाली हाइप ही नहीं है, ये वर्थ गाड़ी है। अगर आप इसको सिर्फ जिसे सेडान चलाई है ना उसको कंफर्ट लेवल का पता है कि सेडान में कंफर्ट लेवल क्या होता है। मेरे पास थार भी है, थार के बाद ही मैंने ये गाड़ी ली थी, और सबसे पहले जो मैंने गाड़ी ली थी वो ली थी मैंने होंडा अमेज। इसलिए मुझे सेडान के कंफर्ट का पता है कि जो गाड़ी आपको सेडान कंफर्ट देगी ना वो गाड़ी आपको SUV कंफर्ट कभी दे ही नहीं सकती है। मैंने महिंद्रा XUV 700 गाड़ी चलाई, फिर मैंने महिंद्रा थार की ड्राइव भी ली थी और कई गाड़ियों की जो है वो मैंने ड्राइव ली थी, लेकिन जो सेडान में कंफर्ट है ना वो किसी और गाड़ी में कंफर्ट है ही नहीं है। तो इसलिए मेरे को एक सेडान चाहिए थी, और सेडान मेरे को ऐसे चाहिए थी जिसमें मैं चलाऊँ तो मुझे लगे कि जैसे घर को ही टायर लगे और घर ही जा रहा है। तो दोस्तों ये वैसी ही गाड़ी है जैसे घर को टायर लगे, आप किसी होटल में बैठे हैं। सस्पेंशन इसकी ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और ना बहुत ही ज़्यादा इसकी स्टिफ है, सस्पेंशन भी इसकी सही है, आपको खड्डा इतना फील नहीं होता है। हल्के सा अगर आपको, आप नए ड्राइवर हैं तो आपको इसको थोड़ा सा ढंग से चलाएं, और स्पोर्ट्स मोड चलाने का इसको मेरे को वैसे मतलब लगता नहीं है। स्पोर्ट्स मोड में मैं तो इसको नॉर्मली चलाता हूँ, कभी कोई गाड़ी कहीं ओवरटेक की सिचुएशन ऐसी हो तब मैं जरूर स्पोर्ट्स मोड ऑन कर लेता हूँ, जैसे कोई सामने ट्रक आ रहा है मुझे अर्जेंसी है मैंने फटाफट निकलना है तब, लेकिन मैं इन चीज़ों को अवॉइड ही करता हूँ। गाड़ी हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चलाएं, सेंसिबिलिटी के साथ चलाएं, घर में आपका कोई इंतजार कर रहा है, और बेल्ट लगाकर चलाएं, रूल्स को फॉलो करें, रेड लाइट को फॉलो करें, ग्रीन लाइट को फॉलो करें। ये इसका जो मिरर है ये ऑटोमेटिक है, मैं इसको कुछ नहीं मुझे करना पड़ता है, डे नाइट इसमें ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पे टच दे रखा है। छोटी छोटी चीज़ों का उन्होंने बहुत ध्यान रखा हुआ है ना, यहाँ पे सनग्लासेस अगर आपने डाल लिया आप अपना सनग्लासेस जो है यहाँ पे होल्डर में रख सकते हैं, अगर अपना पर्स आपका वॉलेट है तो आप इसको खोलेंगे ऐसे, यहाँ पे आप अपना वॉलेट रख सकते हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ना इन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान रखा हुआ है। तो दोस्तों ये कुछ इस तरह इसका ड्राइव रिव्यू था, बाकी इसके व्लॉग्स तो मैंने काफ़ी डाले हुए हैं। इसको आप नीचे करेंगे तो ये देखिए लाइट ऑन हो जाएगी, अगर रात का ये ऑटोमेटिकली सब कुछ है इसमें, कुछ नहीं मुझे करना पड़ता। ये देखिए मैं इसको ऐसे पीछे करूंगा ये लाइट ऑन हो गई है, ये देखिए। तो मतलब ना बारीक बारीक चीज़ें कॉम्प्रोमाइज नहीं लगा मुझे, सबसे बड़ी बात है ना इसकी क्वालिटी के साथ मुझे लगा ही नहीं कि स्कोडा कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है। मुझे जो एक चीज़ फील होती है बस वही होती है कि काश इसकी जो सीट्स है ना वो कोल्ड या हीटेड होती तो मज़ा आता है, लेकिन वो बोलते हैं कि यूरोपियन मॉडल है वो इसको उसके उस वेदर के हिसाब से बनाया हुआ है तो इसलिए इसमें हमने हीटेड और कूल सीट्स नहीं दिया है। लेकिन इस बात को अगर हम माने जो स्कोडा के टॉप मॉडल में तो आती हैं खैर। और एक मुझे जो इसका कलर है ना ये वाला, अगर ये टैन कलर होता ना ये मज़ा आता। तो अब मैं आपको सच बता रहा हूँ, अभी तो मैं खैर गाड़ी चलाऊंगा कम से कम 5 साल और, लेकिन अगर मेरे मन में कल को मुझे कोई ड्रीम कार जो मेरे को है ना अगर लेनी भी हो तो वो मैं सुपर को ही कंसिडर करूँगा। दोस्तों आप बिलीव करोगे मैंने BMW लिमोजिन की गाड़ी की ड्राइव भी ली थी जो 61 लाख की है, फिर ऑडी A6 की ड्राइव भी ली थी, वो सारी गाड़ियों को ड्राइव ली थी, लेकिन जब मैंने ये गाड़ी को ड्राइव ली ना पहली बात तो इसका ऑडी A4 के साथ इंजन शेयर्ड है, सेम हॉर्स पावर सेम टॉर्क सब कुछ सेम है इसका, आप उस गाड़ी के कंफर्ट और इस गाड़ी के कंफर्ट में ये नहीं बता सकते बोल सकते कि इस गाड़ी में कंफर्ट लेवल कम है। ये गाड़ी ऑडी A6 A4 BMW 3 सीरीज के लेवल की गाड़ियाँ दोस्तों, ये वाली गाड़ियाँ वो गाड़ियों का सिर्फ बैज का प्राइस है। इसका मैंने मेंटेनेंस पैकेज लिया था 40 के आसपास मेरे ख्याल में, मुझे याद नहीं अब, और इसकी सर्विस मुझे सिर्फ 3000 कॉस्ट पड़ी थी साल की। और एक बार इसका क्या हुआ था कि मैं फ्यूचर्स किसी को बता रहा था तो आई थिंक अलॉय टच हो गया था सारा कुछ मेरा, मतलब मुझे कभी हरासमेंट फील हुई नहीं इस किसी चीज़ को लेके। ये बॉक्स 20 दिन बाद आ गया था, ये अपने आप खुल जाता था ड्राइव को जैसे कोई खड्डा वगैरह आता था, ये भी उन्होंने अपना 20 दिन में ऑर्डर किया तो आ गया और अपने आप जो है वो चेंज कर दिया था। तो सर्विस वाइज मुझे इसकी कभी कोई कंप्लेंट नहीं आई। तो दोस्तों ये मेरा स्कोडा ऑक्टावियो का रिव्यू था ड्राइव का, और थोड़े बहुत फीचर्स जो मैंने बताया, बाकी और बहुत से मैंने व्लॉग डाले हैं इसके। चैनल को आप लाइक जरूर करें, वैष्णो देवी नैना देवी माता मनीमेश कैलाश श्रीखंड महादेव इन सब की यात्राएं व्लॉग्स जो है वो मैंने अपलोड किए हुए हैं, चैनल के साथ आप जरूर जुड़ें और वीडियो को शेयर जरूर करें। दोस्तों धन्यवाद।